राजस्थान में मानसून की बारिश थमने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव आ गया है। अब तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में शुक्रवार को पारा 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी महसूस की गई। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस समय का सबसे ज्यादा तापमान है। फिलहाल प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में, खासकर 23 सितंबर के आसपास, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर से गुजर रही है। धौलपुर में भी तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले 3-4 दिनों में बारिश पर ब्रेक लगा, अब कई इलाकों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। बाड़मेर में तापमान 37.8 डिग्री और श्रीगंगानगर में 37.5 डिग्री तक पहुंच गया है, मान्य स्थिति में लौट रहा है। राजस्थान में शुक्रवार को सबसे कम तापमान सिरोही जिले के माउंट आबू में 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि बीते दिनों हुई बारिश के कारण अब भी कुछ ठंडक महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिससे मौसम सामान्य बना हुआ है। जयपुर समेत अन्य क्षेत्रों में दिन के समय में धूप भी खिल रही है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ गया है। इस बढ़ते तापमान के बीच स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग धूप में निकलते सावधानी बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, गर्मी से बचने के लिए छांव में रहना और खुद को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान में मौसम का ये बदलाव दर्शाता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि मानसून की वापसी की संभावनाएं भी बनी हुई हैं।